अस्सलाम वालेकुम, मैं मरी आया हूँ और मेरे साथ वही पिंडी बॉय हैं जो फैसलाबाद के फूड टूर पे आपको नज़र आए थे। तो पराठों वाला अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, वो देख लीजिएगा। और आज हम मरी का छोटा सा फूड टूर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यार, तो जी हम हैं मरी के रास्ते में, मौसम बड़ा अच्छा है। अच्छा, बात यह है मज़े की कि हमने कहा कुछ नया करते हैं, तो इंडियन फूड ब्लॉगर्स के हम अक्सर देखते रहते हैं और वो जिस तरह की साइंस अपने फूड ब्लॉगिंग में करते हैं, तो हमने कहा आज थोड़ा सा उस साइंस को हम रेप्लिकेट कर देते हैं। तो चले जी, अब उनका हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं। तो भैया हम आए हैं माउंटेन्स में, बड़ी अच्छी अच्छी माउंटेन्स हैं, सीन भी बहुत अच्छा है, व्यू भी बहुत अच्छा है। तो भैया यहाँ छल्ली वाले हैं हमारे पास, आए इनसे पूछते हैं तो ये छल्ली को कैसे बनाते हैं। वाह वाह, बड़ा स्वादिष्ट छल्ली लग गई है, नमक के अंदर भून गए हैं बड़े अच्छे अच्छे। तो भैया क्या नाम है आपका? अरमान मलिक। तो भैया कितने साल से छल्ली भून गए? ओ भैया माशाल्लाह 3 महीने से ये काम कर रहे हैं, तो बड़ा टेस्टी लग रहा है, मेरे तो मुंह में अभी पानी आ गया इसका। तो भैया जैसे ही छल्ली भूनते हैं हम उनसे छल्ली लेंगे तो फिर आपको बताएंगे। अब हम सबसे टिपिकल इंडियन फूड ब्लॉगर्स का क्वेश्चन डालते हैं, तो भैया जब छल्ली भूनते हैं उसमें क्या क्या डालते हैं आप? हाँ, तो कितनी देर में छल्ली भून जाती है? 5 घंटे। तो देखे बड़ी मेहनत का काम है, काफी देर से उसे दाएं बाएं हिलाए जा रहे हैं भैया, तो छल्ली यूं ऊपर नीचे होके ना हर पे उसे बराबर गर्म हो जाती है। तो अभी भाई छल्ली बनाएंगे। तो भैया जब छल्ली भूंजे फिर उसको कैसे देते हैं? पत्ते में डाल के देंगे। देखे ना फिर माहौल, दोस्त एकदम आते हैं इनके, ये भैया ने पत्ते में छल्ली दे दी और इस पे नींबू मसाला भी लगाएंगे। वाह वाह, और स्वादिष्ट हो जाएगी ना, थोड़ी खटाई भी हो जाएगी, थोड़ी मिर्ची भी हो जाएगी। और मगी के हसीन मजाक हैं, उसके साथ हम पहाड़ों पे आए हैं, उत्तरी जगह है काफी ये, और जो है हवा भी चल गई है, टेम्परेचर भी कम है। और ये मसाला लगा गए उसके साथ, नींबू की खटाई है और साथ मिर्ची के साथ नमक डाला हुआ है भैया ने, और ये छल्ली लगा के हमें दे दी। Thank you.